क्या आपको पता है कि उनको फ्लाइंग सिख का टाइटल किसने दिया था? पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान ने। दरअसल पाकिस्तान में 200 मीटर का इंटरनेशनल एथलेटिक्स कंपटीशन हुआ था, जिसको लेकर पाकिस्तान में केवल दो नामों की ही चर्चा थी, पाकिस्तान एथलीट अब्दुल खालिक की और मिल्खा सिंह की। मिल्खा सिंह ने यह दौड़ जीती और खालिद तीसरे नंबर पर रहा। तब आयुम ने कहा था कि सिख तो दौड़ने नहीं आता, उड़ता है, यह तो फ्लाइंग सिख है। हालांकि मिल्खा सिंह पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि बंटवारे के दंगे में वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आ पाए थे। माता पिता और बहनों को उन्होंने इन दंगों में खो दिया था, सो उन्होंने मना कर दिया था। तब नेहरू जी ने उन्हें समझाया कि खेल से दोस्ती बढ़ती है, उसे गुस्से को भूल जाओ। पीएम के समझाने पर वो जाने को तैयार हुए थे। रोम ओलंपिक, जिसमें वो कांस्य पदक से चूक गए थे, उस ओलंपिक में मिल्खा सिंह को काफ़ी मीडिया अट्रैक्शन केवल इस बात से मिली थी क्योंकि उन्होंने इससे पहले कभी दाढ़ी और लंबे बालों वाला आदमी एथलीट के तौर में नहीं देखा था। मिल्खा सिंह ने अपनी ऑटोबायोग्राफी अपनी बेटी सोनिया के साथ मिलकर लिखी थी। 2013 में आईएस फोटोग्राफी का नाम था द रेस ऑफ माय लाइफ। जब डायरेक्टर राकेश ओम प्रकाश मेहरा ने उन पर मूवी बनाने का ऐलान किया तो उन्होंने उस ऑटोबायोग्राफी को उन्हें बेच दिया। और पता है फीस कितने ली? केवल 1 रुपया।